एक ही इंग्रेडिएंट और उससे बहुत सारी आइटमें बनाई जा सकती हैं, ख़ास तौर से हमारे इंडिया में, जैसे कि बेसन। अब आपका मन है आप उससे चीला बनाइए, आप उससे बर्फी बनाइए, आप उससे लड्डू बनाइए या कुछ और बनाइए। हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का होम मील ओपी पर। और आज हम बनाएंगे बेसन की बर्फी और लड्डू एक ही कढ़ाई में एक साथ। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। इसके लिए सबसे पहले गैस पर चढ़ाएंगे एक मोटे तले की कढ़ाई, क्योंकि जब बेसन को भूनते हैं तो फिर वो इसमें जलता नहीं है और बहुत अच्छे से पक जाता है। अब कढ़ाई में डालेंगे लगभग 1.25 कप घी। घी को अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। घी मेल्ट हो चुका है और अब इसमें डालेंगे हम 2.25 कप बेसन, यानी कि लगभग 500 ग्राम बेसन। और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। घी में बेसन को मिक्स कर लिया है। अब इसे लो टू मीडियम हीट पर 15 से 20 मिनट तक तब तक पकाएंगे जब तक इसका कलर है वो चेंज नहीं हो जाता। हमें हीट है वो लो टू मीडियम ही रखनी है, बहुत ज़्यादा हाई हीट नहीं रखनी है, अदरवाइज़ बेसन का कलर तो चेंज हो जाएगा पर वो पकेगा नहीं और उसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। लगभग 20 मिनट हो चुके हैं और हमने इसको लो टू मीडियम हीट पर भुना है। देखिए बेसन का कलर है वो पूर्णतया चेंज होकर गोल्डन हो गया है। और इस स्टेज पर हम इसमें ऐड करेंगे लगभग 1 कप यानी कि 250 ग्राम खोया। खोए को हमने क्रम्बल कर लिया है। खोए से जो बर्फी और लड्डू हैं वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, इसलिए हमने इसको खोए के साथ बनाया है। आप चाहें तो इसे खोए के बिना भी बना सकते हैं। अब खोया डालकर इसको 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे। आप चाहें तो इसमें एक पिंच येलो कलर का फूड कलर डाल सकते हैं, जिससे इसका कलर और भी ज़्यादा बढ़िया हो जाता है। परंतु मैं घर पर जब भी बनाती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि कम से कम फूड कलर्स को यूज़ करूँ और ताकि ये बिल्कुल नेचुरल बने। लगभग 3 मिनट हो चुके हैं, अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और इस मिक्सचर को 10 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। लगभग 10 मिनट हो चुके हैं और देखिए मिक्सचर है वो काफ़ी ठंडा हो चुका है। इस स्टेज पर इसमें डालेंगे 1 कप बूरा यानी कि पीसी हुई चीनी और इसे इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे। यदि आप बहुत तेज़ मीठा खाते हैं तो आप थोड़ा सा मीठा और ऐड कर सकते हैं। अब इसे मिक्स करेंगे अच्छी तरह इसमें स्पैचुला और फिर हाथ की सहायता। चीनी को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब बर्फी को जमाने के लिए हम एक ट्रे लेंगे और इसे घी की सहायता से ग्रीस कर लेंगे। अब इसमें मिक्सचर डालकर इसे सेट कर देंगे इस तरह से दबाते हुए। मिक्सचर को सेट करने के बाद इसके ऊपर फैलाएंगे कतरे हुए बादाम। और इसे प्रेस करके अच्छे से सेट कर देंगे। अब बचे हुए मिक्सचर में से थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेंगे और इस तरह उसे दोनों हाथों से दबाते हुए और इसके ऊपर ऐसे कतरा हुआ बादाम लगाकर और इसे लड्डू की शेप में बनाएंगे। और इस तरह सारे मिक्सर के लड्डू बना लेंगे।
लगभग 30-45 मिनट हो चुके हैं और बर्फ़ी अच्छे से सेट हो गई है। यदि आपको जल्दी हो तो आप इसे फ्रिज में रख कर भी सेट कर सकते हैं। और अब हम करेंगे इसकी कटिंग। आप चाहें तो इसे किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। मैं अभी इसको चौरस पीसेस में कट कर रही हूँ। लीजिए, तैयार है बेसन की बर्फी और लड्डू। एक ही कढ़ाई से हमने दो आइटम्स बनाई हैं। यदि आपको भी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि नई नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।